गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में बेटा हम कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में अब तक हमने पढ़ा कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन और फिर बाइनोमियल थ्योरम से कुछ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए। बाइनोमियल थ्योरम के बाद में हमने पढ़ा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह ये किए हमने। इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए। लास्ट में हमने इंटीग्रेशन ही किया था, इंटीग्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री शुरू, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री, बेटा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमें पता है कि भाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, मान लो जैसे ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारी, ये थीटा हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस के। कोसिकेंट थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा, ठीक है। फिर हम पढ़ चुके हैं कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस के, परपेंडिकुलर बाई नहीं बेस बाई है ना, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस के। और सिकेंट थीटा क्या होता है बेटा, सिकेंट थीटा इसका उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूस बाई बेस हो गया। अब हम पढ़ चुके हैं टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस के। और कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा इसका उल्टा हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बेटा। ये चीज़ें हम पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसा करके कुछ था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये था ना। तो ये कर चुके हैं और ये इससे इन्वर्स रिलेटेड चीज़ें, जैसे कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, सिकेंट थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम लेक्चर करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम में, ठीक है बेटा। बेटा देखो पहले एंगल देखो, एंगल क्या होता है, द रोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल। एक स्ट्रेट लाइन की रोटेशन क्या होती है, एंगल होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये रोटेट करके यहाँ पे पहुँच गई, अगर वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या है, पॉजिटिव, और अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या है, नेगेटिव, ठीक है बेटा। रोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल के बाद हम जाते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में बेटा। देखो बेटा हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। हमारे पास हैं ये चार क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे 0 degree एंगल हो गया, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, इसमें जैसे इस लाइन पे क्या हो जाएगा, 90 degree एंगल, और इस लाइन पे यहाँ पे इस तरफ क्या हो जाएगा, 180 degree एंगल, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 भी हो गया भाई, ठीक है। अब ये वाली लाइन कैसी है, पॉजिटिव, और ये लाइन वाली, ये वाली लाइन भी कैसी है, पॉजिटिव, और ये वाली लाइन कैसी होगी, नेगेटिव, और ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अब एक बार साइन की तरफ देखो, अगर हम बात करें साइन थीटा की, किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, हमने देखा था साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस भी क्या है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होना ही नहीं, तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव,
ठीक है, एज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पी इज पॉजिटिव सो साइन थीटा क्या हुआ इज पॉजिटिव। ठीक है, किसकी बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा बेटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और ये बेस है, दोनों क्या है, ये बेस भी तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोस थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बी इज पॉजिटिव सो कोस थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, अब बात आती है टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब ये पी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, पी और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा क्या है पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पी एंड बी बोथ आर पॉजिटिव सो टेंजेंट थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है बेटा, टेंजेंट थीटा आगे क्या होगा इसमें पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, एच बाई पी, तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव है। कोस थीटा पॉजिटिव है तो सिकेंट थीटा भी पॉजिटिव है। सिकेंट थीटा क्या होता है, सिकेंट थीटा क्या होता है, एच बाई बी, तो ये भी क्या है पॉजिटिव है। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो कोट थीटा भी पॉजिटिव है, तो ये कोट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, तो कोट थीटा भी हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये सारे के सारे क्या मिलेंगे हमें पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कह सकते हैं ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव हो जाता है, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेस क्या हो जाता है, नेगेटिव, परपेंडिकुलर तो क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है ना, पी बाई एच, और कोसिकेंट थीटा एच बाई पी, बोथ आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। P is positive, so sin theta and cosecant theta क्या हो जाएंगे positive। ठीक है, अब second, अगर हम इसमें देखें, इसमें second quadrant में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखो base क्या है, negative है ना, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो कोस थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो सिकेंट थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। बी इज नेगेटिव सो कोस थीटा सिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा ऑल आर नेगेटिव। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, केवल साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा।
बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, नेगेटिव। कौन कौन? दोनों साइन और ये जो परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव है ना, क्या क्या, बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन साइन थीटा, क्या है ये साइन थीटा, पी बाई एच, कोसिकेंट थीटा वो क्या है, एच बाई पी, कोस थीटा, कोस थीटा क्या है भाई हमारे पास, बी बाई एच, सिकेंट थीटा वो क्या है हमारे पास, एच बाई बी। ठीक है, ऑल आर नेगेटिव, क्यों, एज P एंड B बोथ आर नेगेटिव इन दिस केस, इस केस में दोनों नेगेटिव है तो ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो, अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ गया, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर तो नेगेटिव है और बेस क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एज पी नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव, सो साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा विल बी नेगेटिव, वेयर कोस थीटा एंड सिकेंट थीटा विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे भाई हमारे पास कोस थीटा और सिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस सब के लिए एक नियम बन गया भाई, हम बोल सकते हैं मतलब एक शॉर्टकट बना सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, स्कूल साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। टू टेंजेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होगा, टी आ जाए यहाँ पे, तो टेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। कॉलेज सी, सी आ गया यहाँ पे, कोस थीटा पॉजिटिव होगा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके, आफ्टर मतलब सारे पॉज आल आ गया, आफ्टर से ए सी आल आल हो गया, और फिर स्कूल वाले एस से साइन थीटा हो गया, साइन हो गया, और फिर टी टू वाले टी से टेंजेंट थीटा, और फिर सी वाले कॉलेज वाले सी से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या मिले, सारे के सारे पॉजिटिव मिले, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव हैं, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा क्या है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है इसमें, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, कोस थीटा और सिकेंट थीटा क्या है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, जरूर देख लो, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन वो फंक्शन है बेटा
अगर मान लो किसी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव ही आए, उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आए, तो क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल स्क्वेयर है, स्क्वेयर एक इवन फंक्शन है। स्क्वेयर क्या है, एक इवन फंक्शन है। कैसे पता चला, अगर हम माइनस एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर हम प्लस एक्स का स्क्वेयर करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो स्क्वेयर एक क्या है, इवन फंक्शन है। ओड फंक्शन क्या होता है बेटा, अगर हम मान लो नेगेटिव वैल्यू पुट करें किसी फंक्शन में और नेगेटिव ही आंसर आ जाए तो हमारा पास क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्यूब फंक्शन है, अगर हम एक्स की क्यूब का नेगेटिव का करें तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब, वो नेगेटिव ही आ गया। तो क्यूब फंक्शन एक क्या होता है, क्यूब फंक्शन एक ओड फंक्शन होता है। तो बेटा साइन फंक्शन जो होता है ना वो क्या है, ओड होता है। साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है, और कोस जो फंक्शन है वो हमारे पास इवन होता है। कोस माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कोस एक्स ही होती है। तो कोस एक इवन फंक्शन है और साइन एक ओड फंक्शन है, ठीक है। साइन ओड फंक्शन है तो माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स, और कोस एक इवन फंक्शन है तो कोस माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का कोस एक्स हो जाएगी। अब ये देखो, अगर हमारे पास वैल्यू निकालने आ जाए मान लो साइन 300 की, साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालने आ जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 60 लिख सकते हैं बेटा। अब जो ये लाइन है ना 180 वाली, 0-180 वाली जो लाइन है या 360 वाली जो लाइन है, इस पे चेंज नहीं होंगे भाई, साइन के क्या रहेंगे, साइन रहेंगे, कोस के कोस रहेंगे, मतलब इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। और 90-270 वाली जो लाइन है इसमें साइन का क्या हो जाएगा, कोस, कोस का साइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट, और सिकेंट का कोसिकेंट, इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं बेटा 360 है तो कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, 360 माइनस 60 है ना, 360 माइनस 60 है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गई। अब अगर 360 आ रहा है तो 360 का क्या रहेगा, 360 ही रहेगा, 360 मतलब साइन में मतलब वही रहेगा, तो साइन में चेंज नहीं होगा 360 में, तो साइन 60 तो क्या हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 3/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरे तरीके से कर लो इसको, अगर हम देखें तो साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30, क्वाड्रेंट तो वही फोर्थ, नेगेटिव आ गया, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ में। अब 270 आ गया तो साइन का किस में चेंज हो जाएगा, 90-270 वाली जो लाइन है उसमें साइन का किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है, तो कोस में चेंज हो गया कोस 30 की वैल्यू वही √3/2, तो क्या आ गया √3/2, ठीक है। सेकंड करके देख लो, और कुछ जैसे मान लो हमारे पास वैल्यू पूछनी आ जाए, जैसे वो साइन 120 आ जाए, तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन 90 आ रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो क्या आ जाएगा, कोस 30 आ जाएगा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। दूसरे तरीके से कर लो, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, ठीक है। तो 180 आ रहा है तो साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव भी रहेगा, तो साइन क्या हो जाएगा, 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, आंसर सेम आ गया, ठीक है भाई। तो कोई भी वैल्यू उठा सकते हो आप। अब मान लो जैसे हमें आज मिल जाए टेंजेंट 300, ठीक है,
तो टेंजेंट 300 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 360 माइनस 60। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा है, नेगेटिव। 360 है तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। पुट के देख लो, पुट करके देख लो, साइन 60 डिवाइडेड बाई कोस 60 माइनस के रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया माइनस के रूट 3 आंसर आ गया। ठीक है, और देख लो कोई क्वेश्चन, जैसे अगर हमारे पास आ जाए टेंजेंट 210 आ जाए जैसे, तो टेंजेंट 210 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 210 को लिख सकते हैं हम भाई टेंजेंट 180 प्लस 30। ठीक है, अब 180 आया हुआ है तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, 180 प्लस 30 है तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहा पॉजिटिव ही रहा, टेंजेंट 30 आ गया। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 बाई कोस 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और कोस 30 की क्या है रूट 3/2, तो 1/√3 आ गया। ठीक है, और देख लो कोई क्वेश्चन, जैसे अगर हमारे पास आ जाए टेंजेंट 150, टेंजेंट 150 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 180 माइनस 30। अब 180 माइनस 30 है तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का टेंजेंट, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा क्योंकि 180 है, माइनस का टेंजेंट 30 आ गया भाई। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या थी, यही थी 1/√3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/√3। ठीक है बेटा, इस तरह से हम कर लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इस तरह से है, ए रैंप ऑफ लेंथ 5 मीटर राइजेस टू 1 in 10। ए रैंप ऑफ लेंथ 5 मीटर राइजेस टू 1 in 10। फाइंड द हाइट ऑफ द रैंप। ठीक है, अब बेटा जो 1 in 10 है, अगर हमारे पास ये आ जाए कि भाई 1 in 10, तो 1 in 10 का मतलब होता है साइन थीटा। साइन मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/10। अगर इसने लिख रखा है कि 1 in 10, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/10। चलो सॉल्यूशन करो इसका, सॉरी तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये रैंप हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/10। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/10। ठीक है, अब इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, 1/10। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस बेस की जो ये पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 5, तो परपेंडिकुलर की निकल जाएगी।
तो यहाँ से पुट कर दो P बाई एच इज इक्वल टू 1/10, एच इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज पी बाई 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/10, विच इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। सो हाइट ऑफ द रैंप विल बी 0.5 मीटर। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब आप जो प्रदीप्स वाली बुक है उसके लास्ट में जो एक्सरसाइज हैं वो सोल्व करके देखना, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी हम कल आगे सोल्व करेंगे, आगे की ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम शुरू करेंगे मैपिंग, मैप जो हमारा ग्राफ वाले हैं, ग्राफिंग शुरू करेंगे। तो ग्राफ जो है अलग अलग ग्राफ, जैसे हमारे पास आ जाएंगे ये जो हाइपरबोला, पैराबोला या अलग अलग टाइप के स्ट्रेट लाइन, उसके लिए जो ग्राफ है ना, तो ग्राफ की मैपिंग हम शुरू कर देंगे, ग्राफिंग हम शुरू कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।